हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको मैं पीटीटी की पूरी आंसर की बताने वाला हूँ, पूरे के पूरे आपका पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, यानी मैं आपको फटाफट आपके आंसर बताता हूँ जिससे आप आसानी से अपने पेपर में टिक लगा के चेक कर सकते हैं। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इस जो आंसर की का PDF है वो भी दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप मैं आपको बता दूं रीजनिंग का है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा डी। आप अपने जो पेपर में है वो ऑप्शन देख लेना, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में ऑप्शन अलग हो जाए। और दूसरा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट वाला है, इसमें देख सकते हैं दोस्तों इसमें ऑप्शन ए होगा, यानी सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी है इसमें दोस्तों केवल फर्स्ट और सेकेंड सेकेंड है वो अनुसरण करते हैं। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तीसरे क्वेश्चन का आंसर अभी तक दोस्तों आया नहीं है, तीसरा क्वेश्चन अभी तक डाउट में है, तो आपको मैं थोड़ी देर में टेलीग्राम में अपडेट करके बता दूंगा। और दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी शहर की मुख्य सड़क से 3 ब्लॉक दूर एक छोटी सी दुकान है, ये वाला दोस्तों आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा। और छठे क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आपके बी रहने वाला है, बी ऑप्शन में लिखा है घटना पर ध्यान दें और बाद में संबंधित अधिकारियों को मामले की सूचना दें। यस दोस्तों पांचवें क्वेश्चन का आंसर होगा, सॉरी छठे क्वेश्चन का। और सातवें क्वेश्चन का दोस्तों आप देख सकते हैं आंसर होगा डी, पछतावा करेंगे कि आप उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकते, इसका आंसर दोस्तों डी होगा। ये क्वेश्चन कुछ शिक्षण विधि के आ रहे हैं, पहले कुछ रीजनिंग आ रहे हैं, तो इस प्रकार दोस्तों आप देख लेना। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा दोस्तों सी, उसमें सी में दोस्तों आपने देख सकते हैं या तो धारणा फर्स्ट है या सेकंड अंतर्निहित है, दोस्तों ये इसमें सी आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में ए आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में बी, 11 में बी। इस प्रकार दोस्तों आप अपने पेपर में टिक लगाते जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 12 में आंसर होगा बी, 13 में आंसर होगा ए, 14 में आंसर होगा बी, 15 में आंसर होगा बी और 16 में आंसर होगा ए, 17 में आंसर होगा डी, 18 में आपके दोस्तों आंसर होगा बी, 19 में आंसर होगा बी, 20 में आंसर होगा बी, बी में लिखा है 201 और 21 में आंसर होगा सी। मैंने दोस्तों यहाँ पे टिक भी लगे हुए, टिक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। 22 का आंसर होगा डी और 23 का आंसर होगा डी, 24 का आंसर होगा ए, 25 का दोस्तों आंसर होगा डी, 26 का आंसर होगा दोस्तों, 26 का आंसर अभी तक मिला नहीं है, हाँ दोस्तों 26 का आंसर आप सी लगा सकते हैं, 26 का सी, 27 का आंसर है ए, 28 का आंसर है आपके सी, 29 का आंसर है आपके बी, 30 का आंसर है ए, 31 का आंसर है डी, 32 का आंसर है बी, 33 का आंसर है सी, 34 का आंसर है ए, 35 का आंसर है डी, 36 का आंसर है बी। और दोस्तों 37 क्वेश्चन अभी डाउट में है, 37 का क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके बता दूंगा। 37 का है और 38 का आप देख सकते हैं सी आंसर होगा, और 39 का आप देख सकते हैं डी होगा, और 40 का डी होगा, 41 का भी डी होगा, सॉरी 41 का आंसर होगा सी, और 42 का आंसर होगा बी, 43 का आंसर होगा बी, 44 का आंसर होगा दोस्तों ए, और 45 का आंसर होगा डी, 46 का आंसर होगा डी, 47 का आंसर होगा बी, 48 का आंसर होगा डी, 48 का आंसर है डी, डी फॉर डॉग, 39 का आंसर होगा ए, और 50 का दोस्तों आंसर होगा, 50 का आंसर है डी, नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों आपके शिक्षण अभिक्षमता और अभिवृत्ति आ गई है, इसमें देख सकते हैं 51 का आंसर होगा ए, 52 का आंसर होगा, 52 का भी आंसर होगा ए, 53 का आंसर है डी, 54 का आंसर है दोस्तों सी, 57 का आंसर है डी, डी फॉर डॉग, और 55 का आंसर है सी, 56 का आंसर है ए, 57 का सी, 58 का डी, 59 का है सी, 60 का है डी, 61 का है ए, 62 का है, 62 का भी ए, 63 का भी सी, 64 का आंसर है ए, 65 का आंसर है सी, 66 का आंसर है डी, 67 का आंसर है डी, 68 का आंसर है डी, 69 का आंसर ही दोस्तों होगा डी, और 70 का आंसर है ए, 71 का आंसर है बी, 72 का आंसर है बी, 73 का आंसर है बी, 74 का आंसर है डी,
75 का आंसर है डी, 76 का आंसर है बी। अगर दोस्तों आपको ये जल्दी जल्दी लग रहे हैं तो आप वीडियो को स्पीड कम करके भी दोस्तों देख सकते हैं। 77 का आंसर है डी, 78 का आंसर है बी, 79 का आंसर है ए और 80 का आंसर भी है ए। 81 का है दोस्तों डी, 82 का है बी, 83 का है ए, 84 का आंसर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ए, 85 का आंसर है डी, 86 का आंसर है ए, 87 का आंसर है दोस्तों सी, 88 का आंसर है डी और 89 का आंसर आप देख सकते हैं ए और 90 का आंसर भी आप देख सकते हैं, 90 का आंसर दोस्तों सी होगा, 91 का आंसर सी, 92 का आंसर सी, 93 का आंसर ए, 94 का ए, 95 का दोस्तों आंसर होगा सी, 96 का आंसर है दोस्तों डी, 97 का आंसर है डी और 98 का आंसर है सी, 99 का आंसर है बी और 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 100 का आंसर है बोथ इनकोडेड एंड डिकोडेड, यानी 100 का उत्तर है आपके दोनों इनकोडेड एंड डिकोडेड, आंसर है सी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं सामान्य जागरूकता एंड जनरल अवेयरनेस के आगे दोस्तों इसमें 101 का आंसर है दोस्तों डी यानी कला और वास्तुकला, और 102 का आंसर है दोस्तों कर्मकांड यानी बी, 103 का आंसर है पंचतंत्र यानी डी, 104 का आंसर है बीकानेर यानी ए, 105 का आंसर है आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ए आंसर है, और 106 का आंसर है गोपुरम ऑप्शन नंबर बी, 107 का आंसर है दोस्तों हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी सी, 108 का आंसर है दोस्तों ए, 109 का आंसर है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश यानी सी, 110 का आंसर है दोस्तों NH8 यानी ऑप्शन नंबर बी, 111 का आंसर है डी यानी वैवक्षीय भूमि के विस्तारित इच्छे हैं, और 112 का आंसर दोस्तों है लू यानी ए, और 113 का आंसर है दोस्तों बी यानी गेहूँ, 114 का आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश यानी डी ऑप्शन, 115 का आंसर है दोस्तों ए यानी मध्य प्रदेश, 116 का आंसर है बी यानी अफगानिस्तान, 117 का आंसर है दोस्तों कल्पना चावला, और 118 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 119 का आंसर है दोस्तों ए यानी सरोजनी नायडू, 120 का दोस्तों आंसर आप देख सकते हैं सलीम अली ए, और 121 का आंसर है डी यानी सरोद, और 122 का आंसर है दोस्तों ए यानी कथक की, और 123 का आंसर भी दोस्तों मिल्खा सिंह है यानी डी, और 124 का आंसर है दोस्तों सी, सॉरी 124 का आंसर है आपके बी यानी सीवी रमन, 125 का आंसर है बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर, और 126 का आंसर है ए, 127 का आंसर है डी यानी ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी, 128 का आंसर है बी यानी ये वनों के संरक्षण के बारे में है, 129 का आंसर है दोस्तों डी सॉरी सी इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये सी ऑप्शन होगा यानी भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2019, और 130 का आंसर है दोस्तों बोन सम्मेलन, 121 का आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन, 132 का दोस्तों आंसर है जैव विविधता में वृद्धि, 133 का आंसर है संगमरमर कैंसर, 137 का आंसर होगा जयपुर सिटी, 135 का आंसर होगा घूमर, 126 का आंसर होगा दोस्तों देवरा, 137 का आंसर होगा संबल नदी, बंगाल की खाड़ी में संबल नदी अपना जल गिराती है, और 138 का आंसर होगा दोस्तों हनुमानगढ़ यानी कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, 139 का आंसर होगा द इनक्रेडिटेबल स्टेट ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर सी होगा राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन, और 140 का होगा खातोली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया दोस्तों, राणा सांगा ने खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था ऑप्शन नंबर ए, 141 का दोस्तों आंसर होगा परबत्सर यानी डी, 142 का आंसर होगा 23 यानी 23 ऑप्शन नंबर डी, 143 का आंसर है खेलो इंडिया यूथ गेम ये ऑप्शन नंबर बी, 144 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारतीय तटरक्षक, और 145 का आंसर होगा उड़ान यानी ऑप्शन नंबर ए, 146 का आंसर होगा जयपुर, 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगलोर हवाई अड्डा, 148 का ऑप्शन नंबर होगा सी संयुक्त अरब अमीरात, 149 का होगा डी यानी सिंगापुर सर, और 150 का होगा इजराइल यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों आपकी ये आ गई है इंग्लिश, 151 में आप देख सकते हैं सी ऑप्शन होगा, 152 में होगा सी,
153 में होगा डी, 154 में बी, 155 में ए, 156 में बी, 157 में सी, 158 में ए, 159 में बी, 160 में डी, 161 में सी, 162 में सी, 162 में डी होगा, 163 में डी, 167 में ए, 165 में सी, 166 में ए, 167 में सी, 168 में डी, 169 में डी, 170 में ए, 171 में सी, 72 में ए, 73 में डी, 74 में सी, 75 में बी, 76 में बी, 77 में ए, 78 में ए। जी दोस्तों, आपके क्वेश्चन क्रमवाइज अलग अलग हो सकते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को रोक रोक के यहाँ से देख सकते हैं। 179 में होगा ए, 80 में ए, 81 में ए, 82 में डी, 83 में सी, 84 में सी, 85 में सी, 86 में सी, 87 में सी, और दोस्तों 88 में बी, 89 में सी, और 90 में, 190 में होगा वी, 91 में सी, 92 में ए, 93 में ए, 94 में बी, 95 में सी, 99 में सी, 97 में सी, 98 में बी, और 99 में डी, और 200 में होगा सी। दोस्तों इस प्रकार 200 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे दोस्तों हिंदी का सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है, हिंदी का सॉल्यूशन दोस्तों मैं थोड़ी ही देर में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में इस पर टिक लगा के ये पेपर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप आपको कमेंट में भी लिंक मिल जाएगी और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। थैंक यू जनवा दोस्तों, वीडियो चला तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।